राधे राधे लल्ला, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। हेलो राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग सुनैना क्लॉथिंग हॉल में। देखिए आज मैं आपसे अपना डेली रूटीन शेयर कर रही हूँ। यह अभी बजा है सुबह का 5 और मैं जाग गई हूँ। मैंने लड्डू को गुड मॉर्निंग बोला है, लड्डू को राधे राधे बोला है। अपने लड्डू में लड्डू गोपाल को बोलती हूँ, उनको मैंने हिला दिया है ताकि वो थोड़ा नींद से जाग जाएं। और इधर मैं अपने लड्डू गोपाल को जगा रही थी और उधर हस्बैंड जो है ना वो भैया को जगा रहे थे मेरे बेटे को स्कूल जाने के लिए। और चांद आपने देखा अभी बादल में ही कितनी तेज़ से चमक रहा है, क्योंकि ये सुबह का 5 बजा है और मैं दे रही हूँ सुबह की पहली झाड़ू। अपने घर में सबसे पहले उठ के झाड़ू लगाते हैं ना। पहले मैंने लड्डू गोपाल को जगाया, हिला दिया, उसके बाद में लगाई मैंने झाड़ू। फिर मैं आ गई अपने घर के बाहर लॉन में। यहाँ पे देखिए बेटा बैठा हुआ था, उसको मैंने बोला ना जल्दी से ब्रश व्रश कर लो, रेडी हो जाओ, बाकी बहुत सन्नाटा पड़ा हुआ है। और ये देखो लाइट अभी भी जल रही है, काफ़ी अंधेरा है, अभी 5 बजा हुआ है। बेटे को मैं बाथरूम में भेज के आ गई हूँ किचन में। और ये मैंने चढ़ा दिया है घुइया और आलू उबलने के लिए। और ये है दलिया जो मैं बनाऊंगी अभी, थोड़ा सा दलिया और घुइया और आलू की सब्ज़ी बनेगी। आलू के बनेंगे पराठे और घुइया की बनेगी सब्ज़ी, क्योंकि बेटे को आलू का पराठा बना के देना होगा हस्बैंड के लिए। थोड़ी सी दलिया मैंने चढ़ाई है, ये देखो बेटे को पराठा पसंद है आलू का, उसे अच्छा लगता है, फटाफट बन जाता है रेडी। वैसे तो लंच ले जाने में बहुत ही नखरे करता है, ये नहीं वो नहीं, ऐसा कुछ चाहिए कि टिफ़िन में ज़्यादा ना हो, बस फटाफट खा लूँ और खेलने का समय मिल जाए लंच टाइम में उसको। अभी ये देखो यहाँ पर उबल रहा है हमारा घुइया और आलू, और ये दलिया रेडी हो रही है। और इधर मैंने फटाफट मशीन में आटा लगा दिया है, क्योंकि सुबह बहुत जल्दी जाती है। देखिए ये मैंने मंगाया है आटा लगाने वाली मशीन, तब से काम बहुत ही आसान हो गए हैं। ये देखिए कितनी जल्दी फटाफट से अच्छे से मर जाता है आटा। और ये मैंने चढ़ा दिया चाय, इसमें डाली अदरक, काली मिर्च और लौंग, जैसे इसमें उबाल आता है मैं इसमें डाल देती हूँ चाय की पत्ती। उबलने के बाद इसमें फिर मैंने डाल दिया है दूध, फटाफट से चाय रेडी हो जाती है। इधर इंडक्शन और गैस सब कुछ जलाना पड़ता है फटाफट। इधर दलिया उबल गई थी, गैस पे कर दी थी मैंने, उसको वापस इंडक्शन पर मैंने पका लिया है। और अब ये हैं उबले हुए आलू जो कि छील लिए थे फटाफट मैंने, ठंडे हो गए। इनको अब मैं फोड़ के इसका भरता बनाऊंगी जल्दी जल्दी, क्योंकि बेटे के लिए आलू के पराठे बनाने हैं मुझे आलू के पराठे, क्योंकि बेटा भी नहा धो के रेडी हो चुका है, पूजा कर रहा है। और पूजा करने के बाद जब तक वो रेडी होगा ड्रेस व्रेस उसके पापा उसको पहना देते हैं, तैयार कर देते हैं। सुबह कुल मिला के पूरा घर लगता है, तब जाके इतनी जल्दी जल्दी सब सामान बन पाता है। और ये है धनिया और सौंफ, हल्का सा मीठापन आ जाता है आलू के पराठे में। मिर्च नहीं डालती हूँ क्योंकि बेटा मिर्च नहीं खाता है ज़्यादा, तो बस ये धनिया और सौंफ नॉर्मल सा। बाकी हींग डाल दी थी मैंने, बस इतना ही। आलू का भरता फोड़ के मैंने फटाफट आलू के पराठे के लिए स्टफिंग रेडी कर ली थी। बहुत भाग दौड़ होती है सुबह। ये थोड़ी सी लाल मिर्च और अमचूर मसाला डाल दिया था मैंने, और जल्दी जल्दी मैंने इधर फटाफट से स्टफिंग भर के इसमें बेल दिया था। और बेलने के बाद मैं दे दी थी, बेटी मेरी हेल्प करती है, बेटी ने फटाफट पराठे बना दिए। ये देखिए किचन में है बेटी जो सेक रही है पराठा, मैंने बेल दिया है क्योंकि भागम भाग बहुत रहती है ना सुबह सुबह। ये बेटा इधर रेडी हो गया है स्कूल जाने के लिए, मोबाइल देख रहा है बेटा बेटा। सुबह सुबह कहता है मम्मा थोड़ी देर के लिए दे दीजिए मोबाइल, मैं देख लूँ, उसके बाद तो स्कूल में रहना है पूरा दिन। और ये आलू का पराठा और थोड़ी सी अदरक वाली चाय मैंने इसको दे दी, क्योंकि मौसम बदल रहा है तो इसको खांसी वगैरह शुरू हो गई थी, तो अदरक की चाय सुबह सुबह थोड़ी मैं दे देती हूँ। और ये उठ गई है मेरी छोटी वाली बेटी, तो वो फटाफट पोछा लगाने लगी है, क्योंकि अब इसके पापा नहाने गए हैं, नहाने के बाद वो भी पूजा करेंगे ना, तो झाड़ू पोछा फटाफट इधर भी करना होता है, भगवान को भी सफाई साफ सफाई करना होता है। और बीच बीच में मैं चली जाती हूँ अपने फूलों से मिलने, बातें करने, थोड़ा सा इनसे
बात कर लेती हूँ तो अच्छा लगता है, ऐसा लगता है जी मुझे बताते हैं सब कुछ। ये देखो ये प्यारे लगते हैं, बहुत ही मन खुश हो जाता है, मुझे बहुत पसंद है फूल और गार्डन बाग बगीचे। बट इधर बंदरों का बहुत वो रहता ना आतंक, तो हम लोग ज़्यादा नहीं लगा सकते, कुछ थोड़ा थोड़ा करके ऐसे ही फूल लगा लेते हैं, उनकी देखभाल करनी पड़ती है बस। फूल वाले पौधे कम ही हो पाते हैं। ये भी देखिए मैंने छुपा के रखे हुए हैं, एलोवेरा और तुलसी लड्डू गोपाल के लिए लगाई थी, तो बड़ी मुश्किल से ये इतने बच पाए हैं, बाकी सारे बंदर तोड़ देते हैं। ये बेला है, इसका तो फूल निकलने ही नहीं देता है, बंदर उठा ले जाता है। और इधर देखिए मैंने लगा दिए फटाफट से मशीन, क्योंकि पानी भी सुबह सुबह आता है, देर तक नहीं ज़्यादा आता है, तो सुबह ही सारा काम निपटाना होता है। इधर मशीन लगा दी है, बज के 6:10 इसका रिक्शा आ जाता है, इससे वाले ने सीटी बजा दी है। और ये देखो रेडी हो गया, बैग तो ले लो, फटाफट से जा रहा है, बैग तो ले लो, गुरुग्रह बोलो, बंद करिया फिर हम। ओए पढ़ के इधर आओ। जब तक मैं बाहर आई आई तब तक ये अंदर जाके रिक्शे में बैठ गया था। कहाँ? मैंने इसको आवाज दी, ये आया। बाय जय गणेश, जय माता की। बस अब ये चला गया है अपने स्कूल और मैं आ गई हूँ वापस किचन में। ये देखिए अब भैया की सब्जी और चावल रोटी हस्बैंड के लिए बनेगा। ये है मसाला पीस रही हूँ भैया के लिए, मसाला इसी में लहसुन प्याज अदरक अजवाइन सारा कुछ मिला के साथ में पीस लेती हूँ, तड़का नहीं लगाना पड़ता है। ये मसाला हो रहा है रेडी फटाफट से, इधर हो जाता है सामान। मशीन की वजह से बहुत सी दिक्कतें होती हैं ना, कम हो जाती हैं वरना तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, फटाफट से पूरा बहुत काम करना होता है। और अभी ये मैंने बेटी को बोला सब्जी बनाओ, तब तक मैं नहा के आती हूँ क्योंकि मुझे भी करनी है पूजा। इधर बेटी सब्जी बना रही है और मैं नहाने चली गई थी, अब मैं आ गई हूँ नहा के फटाफट से। लड्डू को मैंने उठा दिया था, सुबह जगा गई थी, वो इनका झूला जो था ना मैं हिला के गई थी, बोल गई थी जागो, और अब इनको उठा के फटाफट से मैं इनको नहलाऊँगी। इनके कपड़े रात को बस एक सिंगल पहना देती हूँ, मच्छरदानी में लेटते हैं तो बस एक खाली इनका जांघिया लंगोटी और एक छोटा सा ऊपर टॉप टाइप का पहना देती हूँ ताकि ये आराम से सोए, क्योंकि अभी अभी जन्माष्टमी हुई है ना, तो ये 6 दिन तक जो है ना पालने में ही रहते हैं, तो ये झूले पर ही बैठते हैं, झूले पर ही सोते हैं। तो मैंने इनके बिस्तर को इनके झूले पे ही, मच्छरदानी वाला जो बिस्तर है ना उसको मैंने इनके झूले पे ही रख दिया था, इसी पे सुला देती हूँ और नहला धुला के वापस मैं इसी पे बिठा देती हूँ। लड्डू गोपाल नहा चुके हैं, अब इनको मैंने इनको पहना दी इनकी ड्रेस, और छोटी छोटी इनकी पैंटी लाई थी मैं मार्केट से प्लास्टिक वाली, पहले तो मैंने हाथ से लंगोटी बनाई थी छोटी छोटी, लेकिन जब मार्केट में मुझे मिल गई थी यहाँ पर 10 रुपए की 3 मिल गई थी मुझे, अच्छी थी कॉटन की, फटाफट से आ जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। 10 रुपए की 3 मिल रही थी, टोटल में ले आई थी 20-30 रुपए की, तो काफ़ी हो गई, रोज़ चेंज कर सकते हैं, रात को भी बदल देती हूँ सुलाते समय। और ये लगा दिया है मैंने इनको चंदन, चंदन बड़े प्यार से लगवाते हैं ये मेरे लड्डू गोपाल, ये देखो कैसे मुस्करा रहे हैं चंदन लगाते समय, इनको बहुत अच्छा लगता है ये चंदन। अक्सर मैं देखती हूँ चंदन लगाते समय इनका फेस जो होता है काफ़ी मुस्कराहट भरा हुआ होता है, काफ़ी खिला खिला सा। और ये लगा दिया मैंने इनके बाल, नहला धुला के मैंने इनको वापस झूले पे बिठा दिया, और ये लगा दिया मैंने इनको मुकुट, इनकी पगड़ी, ये इनके बर्थडे में गिफ्ट आई थी, हमारे पड़ोस में एक लोग रहती हैं, जब मैंने अपने लड्डू का बर्थडे किया था तो उन्होंने पूरा सेट भेजा था। ये देखिए पगड़ी है वही वाली, बहुत ही सुंदर है, इसमें सारे कलर हैं, सारी ड्रेस में मैच हो जाती है।
और ये छोटे छोटे फूल दो चार जो मुझे मिल जाते हैं, बंदरों से बच जाते हैं, वो मैं लड्डू गोपाल के लिए ले आती हूँ। बाकी तो बंदरों से पेड़ पौधे सब बचाना बहुत ही मुश्किल होता है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बंदर है। आपको मेरा चैनल कैसा लगता है ज़रूर बताइएगा, और अगर कोई कमेंट ज़रूर करिएगा। मेरा चैनल कैसा लगता है प्लीज़ बताइएगा ज़रूर। और ये देखो मैंने इनकी फ़ोटो ली ना सुबह सुबह, तो बड़े मुस्कराते हुए फ़ोटो लेते हैं। ये देखो सेल्फी लेने के बहुत शौकीन है ये, फ़ोटो दिलाने के। ये देखो उसके बाद मैंने इनकी दो फ़ोटो खींची, फिर मैं आ गई मंदिर। वहाँ पर बहुत ही अच्छी झांकी सजी हुई थी, तो मैंने सोचा क्यों ना इस मंदिर की झांकी की वीडियो बना लूं। ये भी आप सबको दिखा दूं कि देखो हमारे पड़ोस में जो मंदिर है ना कृष्ण जी का, वहाँ पर कैसी झांकी बनी हुई है। आप लोग किस किस शहर से मुझे देख रहे हैं प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और आपके यहाँ मंदिरों में कैसी झांकी सजी है ज़रूर बताइएगा। कौन कौन से शहर से आप हमको देख रहे हैं, मेरा वीडियो कैसा लगता है ज़रूर बताइएगा, कमेंट करिएगा। अच्छा लगे अगर मेरा वीडियो तो प्लीज़ लाइक कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और अब मैं आ रही हूँ वापस अपने घर लड्डू गोपाल के लिए। छोटी वाली बेटी उठ गई थी, उसने बनाया था लड्डू गोपाल के लिए नमक वाला चीला, तो ये मैं ले आई हूँ उनके लिए नमक वाला चीला। उनको बिठा दिया है चौकी पर और फिर मैंने उनको लगा दिया है ये नमक वाले चीले का वो। ये देखो कुल मिला के दो बेटियाँ हैं एक बेटा है, सब फटाफट काम हो जाता है सुबह का, लेकिन बहुत भाग दौड़ होती है। कभी कभी तो सोचती हूँ अगर ये बेटियाँ ना होती साथ में तो मैं क्या करती, कैसे इतनी जल्दी सारा काम निपटता, कैसे मैनेज होता, बहुत परेशान हो जाती हूँ। बेटियाँ बहुत ही अच्छी होती हैं, बहुत हेल्प करती हैं और समझती हैं माँ को। ओके ठीक है, बाय बाय। राधे राधे। सभी को मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। आप लोग मेरे शहर के बारे में क्या देखना चाहते हैं ये भी बताइएगा। मेरे शहर के बारे में मैं आपको दिखाऊंगी अपने मंदिर वगैरह जो देखना चाहते हैं, प्लीज़ कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा न्यू चैनल के लिए, और न्यू वीडियो अपलोड जो करूंगी ताकि आपको सब कुछ दिख जाए। मैं मंदिर की वीडियो भी बनाने वाली हूँ। ओके बाय। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।